सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह सिक्स क्लास का बनाया गया है, जिसमें अतीत से वर्तमान किताब का नौवां अध्याय प्रथम साम्राज्य। प्रथम साम्राज्य में आप लोग को अशोक के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ है, जो है कालिंग युद्ध के बाद, उसको भी आपको हमने बताया है। अशोक जो है महावीर के शरण में गए हैं, महावीर के जो है बताए हुए उपदेशों का जो है पालन किए हैं और वह अहिंसा का मार्ग अपना है, जो है इसके बारे में भी आपको हमने बताया है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है अवलोकन किए हैं और आप लोगों से हमको उम्मीद है कि आप लोग भी जो हैं आप अपने घर पे हमारे बताए हुए जो भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी मुख्य बिंदु हैं, उसको आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे और लिखने के बाद उसे निश्चित रूप से आप लोग उसे याद भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग देखेंगे आज जो है हम लोग इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का जो है सही गलत का जो है टिक लगाना है। हम आपके प्रश्न लिखेंगे, उसमें जो सही होगा तो उसे सही के निशान लगाएंगे, जो गलत है उसे गलत काटेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है।
देखिए बच्चों, आप लोग जो है इसे ये हम देखिए, आप लोग इसमें हम देखिए देखिए ध्यान से कि इस प्रश्न के लास्ट में हम एक बॉक्स बनाए। इस बॉक्स में ये जो शब्द है, जो इसमें शब्द लिखा गया है, इस शब्द वाक्य को जो है पढ़े से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि ये जो लिखा है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। सही कह रहा है तो सही का निशान लगाएंगे, यदि गलत कह रहा है तो गलत का चिन्ह लिखेंगे। ठीक ना बच्चों? तो कह रहा है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था वह उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। हाँ सही है, सही है, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक ना? उसके बाद कह रहा है, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। नहीं, बल्कि वह धम्म पे अपने उपदेशों को अशोक ने लिखवाया था। यह वाक्य जो है क्या है, गलत है। यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएगा। अब कह रहा है, कालिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। नहीं, कालिंग जो है उड़ीसा का नाम था। ठीक ना? बंगाल का नाम नहीं था, इसलिए क्या होगा वाक्य, गलत हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? अब कह रहा है, अशोक के धम में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। नहीं, यह भी गलत है। ठीक ना? ये कितना नंबर हो गया, चार नंबर। अब देखिए कह रहा है, 1837 ईस्वी में जेम प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। हाँ ये सही है। ठीक ना? इसलिए यहाँ पे सही का नहीं पूछा, सही है। अब कह रहा है, अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। हाँ यह भी सही है, अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया और जिलों को गांव में बांटा गया। ठीक ना? इसलिए सही। तो बच्चों इस तरह से वाक्य को आप लोग अपने किताब के माध्यम से भी पढ़कर सही गलत का आकलन कर सकते हैं कि जो इस शब्द कह रहा है वह सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक ना बच्चों? तो इसलिए आप इसको जो है फेयर कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग जो है इसको लिखने के बाद निश्चित रूप से आप लोग इसे याद भी करेंगे। तो आज के वीडियोज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।